हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये टॉपिक काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं देवघर एयरपोर्ट के ओपनिंग के बारे में। हालांकि मैंने आप लोग को देवघर एयरपोर्ट का तो ब्लॉग दे दिया था एंड इसमें सारी चीज़ें दिखा दी थी, लेकिन आज बात करने वाले हैं कि देवघर एयरपोर्ट आखिर में ओपन कब होगा, यानी कि यहाँ पर फ्लाइट कब टेक ऑफ होंगे एंड कब लैंड होंगे। तो चलिए गाइस, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर वाले बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि झारखंड सरकार ने लास्ट सितंबर को देवघर एयरपोर्ट के चालू होने की डेट दी थी, बट उस डेट पे चालू ना होने के चलते तारीख को बढ़ाकर दिसंबर कर दिया। बट गाइस, यह दिसंबर भी निकलता जा रहा है। अब हमें नहीं लगता है कि दिसंबर में भी यह एयरपोर्ट चालू होगा या चालू होगी। चलिए तो देखते हैं कि यह दिसंबर में चालू होता है कि नहीं होता। अगर चालू होता है तो ये हमारे लिए ही बहुत खुशखबरी की बात होगी कि हमारे देवघर में भी एयरपोर्ट चालू हो गया। बट अगर नहीं चालू होता है तो हमें लगभग 2022 तक का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। सो हेलो गाइस, अगर आज का यह वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। सो हेलो गाइस, बात करें अब नेक्स्ट टॉपिक की तो वो है हमारा त्रिकुट पहाड़। सो गाइस, पहले पार्ट वन में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग आधे पहाड़ पे तो चढ़ गए थे, अब बारी है टॉप व्यू की। सो हेलो गाइस, अगर यह वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यह वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, आप लोग को ज़रूर से ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस, हम लोग ऊपर मतलब त्रिकुट पहाड़ के टॉप पे आ चुके हैं गाइस, और इससे ज़्यादा ऊपर है ही नहीं गाइस। सो गाइस, यहाँ से इस पहाड़ का व्यू कुछ इस तरह है गाइस। आप ऊपर अगर आ गए गाइस तो या फिर आप खुश होंगे या फिर आप लोग को खुशी होगी नहीं, क्योंकि ऊपर आने के बाद आपको पूरा पहाड़ एकदम एक समतल जमीन जैसा लगेगा गाइस। बट आपको साइड से देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब ऊपर से नीचे का व्यू आप लोग देखते हैं गाइस तो देखने लायक होता है गाइस। मैं आपको अब बात करते हैं इस पहाड़ की ऊपर घूमने की। तो यहाँ पे घूमने के लिए 6 हैं बट मुझे 5 पता हैं, जिनमें से नंबर 1 रावण गुफा है जहाँ पर रावण तपस्या करते थे। सेकेंड नंबर बात करें तो है वो दीपक जो कि माँ सीता ने जलाए थे। एंड थर्ड नंबर पे हमें दर्शन होते हैं ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वर पर्वत का। एंड फोर्थ का बात करें तो वो है जिसे कहा जाता है शालिग्राम शिला, एंड माना जाता है वहाँ झुक के पार होने पर सारी पापें धुल जाती है। एंड लास्ट में आता है गाइस नाव पत्थर, जहाँ से अगर आप फ़ोटो क्लिक कराते हैं तो लगेगा कि आप नाव पर बैठ के फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। बस गाइस, त्रिकुट पहाड़ के ऊपर इतना ही है घूमने के लिए। हम तो उड़ गए, उड़ गए। त्रिकुट पहाड़ के ऊपर बहुत सी चीज़ें खाने के लिए मिलती है, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग को एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोग को रिकमेंडेड करता हूँ कि आप खाने पीने की चीज़ें नीचे से ही लेकर आएँ, ताकि आपका ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। सो फाइनली गाइस, ये वही जगह है जो नीचे से ट्रॉली आके यहीं पर रुकती है गाइस। ये देख रहे हो आप ऊपर टावर जैसे गाइस, जिसमें अटैच करके ये चीज़ को बांधा गया गाइस। एक्चुअली ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है, ये इसको खड़ा नहीं रखती, ये आप खुद में खड़ा है गाइस। ये पत्थर पे बनाया गया इस और काफ़ी मेहनत के कारण बनाया गया है।
इस मेहनत के लिए आप लोग 1 लाख तो कर ही सकते हो गाइस। सो हेलो गाइस, अगर आज का ये टॉपिक वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम जब कभी कोई भी अन्य वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।